प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि लोगों को सूचना के अधिकार और निजता के अधिकार के बीच में फर्क करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा, सूचना के अधिकार से प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही आई। श्रीरंगराजन समिति ने चीनी को नियंत्रण से मुक्त किए जाने की सिफारिश की। विशेषज्ञ सदस्यों ने चीनी मिलों को खुले बाजार में चीनी बेचने के लिए आजादी देने पर किया जोर। किसानों को लाभ देने के लिए अगले 3 सालों तक खुले बाजार में चीनी के मूल्य का हिस्सा उन्हें दिए जाने का किया समर्थन। वित्त मंत्री चिदंबरम ने विकसित अर्थव्यवस्थाओं सहित भारत को वस्तुओं की कीमतों के बारे में अनिश्चितताओं पर लगाम लगाने को कहा। साथ ही वैश्विक विकास को बढ़ावा देने के लिए तत्काल कार्रवाई करने की जरूरत पर दिया बल। जेपीसी के अध्यक्ष पीसी चाको ने वित्त मंत्री पी चिदंबरम को 2G स्पेक्ट्रम आवंटन मुद्दे पर पैनल के सामने गवाह के रूप में पेश होने का मामला लोकसभा अध्यक्ष को भेजा। भाजपा और लेफ्ट पार्टी ने किया बैठक का बहिष्कार। तृणमूल, एनसीपी, बीएसपी और समाजवादी पार्टी के बाद भाजपा ने भी देश में मध्यावधि चुनाव की उम्मीद जताई। भाजपा नेता सुषमा स्वराज ने कहा कि गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले हो सकते हैं मध्यावधि। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ रहे हैं डेंगू के मामले, लेकिन राहत की बात है कि इस जानलेवा बीमारी के बारे में लोग पिछले सालों की तुलना में हुए ज्यादा जागरूक। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के सीएमओ एसपी सिंह को कथित रूप से धमकाने और पीटने के मामले में राजस्व राज्य मंत्री विनोद सिंह ने दिया इस्तीफा। मामले की मीडिया में उछलने के बाद सपा नेतृत्व ने की कार्रवाई। उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक द्वारा तमिलनाडु को और अधिक पानी छोड़े जाने संबंधित कावेरी नदी प्राधिकरण के आदेश को चुनौती देने वाली दाखिल जनहित याचिका को किया खारिज। सुप्रीम कोर्ट दोनों राज्यों की मूल याचिका पर करेगी सुनवाई। निवेशकों के खातों से शेयर बाजार में होने वाले अनाधिकृत व्यापार पर रोक लगाने के मकसद से बम्बई स्टॉक एक्सचेंज ने शुक्रवार से शुरू की एसएमएस अलर्ट सेवा। इस सुविधा के तहत सभी निवेशकों को उनके खातों से हुई शेयर की खरीद फरोख्त के बारे में एसएमएस से जानकारी मिलेगी। सितंबर में खुदरा मुद्रास्फीति में गिरावट दर्ज और ये 9.73% पर रही, जबकि अगस्त में खुदरा मुद्रास्फीति की दर 10.03% थी। दुनिया भर के बाजारों में गिरावट, निवेशकों की बिकवाली के चलते शेयर बाजार हुआ गिरावट के साथ बंद। सेंसेक्स हुआ 130 अंकों की गिरावट के साथ 18,675 पर बंद। अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए महत्वपूर्ण बहस में वाइस प्रेसिडेंशियल डिबेट जारी। इसमें डेमोक्रेट उम्मीदवार और देश के उपराष्ट्रपति जो बिडेन और उनके रिपब्लिकन प्रतिद्वंदी पॉल रायन आमने सामने हैं। सीरिया और रूस ने तुर्की के इन आरोपों का खंडन किया है कि अंकार जा रहे विमान में गैर कानूनी सामान था। दोनों देशों ने तुर्की पर विमान पर सवार लोगों की जिंदगी को खतरे में डालने का लगाया आरोप। आईपीएल की टीम डेक्कन चार्जर्स को मुंबई स्थित कमला लैंडमार्क रियल एस्टेट ग्रुप ने खरीदा। फिलहाल कीमत का नहीं हो सका खुलासा। विश्व के नंबर एक टेनिस खिलाड़ी स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर ने शंघाई मास्टर्स के क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। फेडरर ने अपने हमवतन स्टेनलास वावरिका को कड़े संघर्ष में दी मात, जबकि ब्रिटेन के एंडी मरे भी अंतिम 8 में जगह बनाने में सफल रहे हैं।